आज का जो विषय मैंने परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है प्रार्थना। क्या है? आमेन। परमेश्वर ने प्रार्थना के रूप में हमें एक हथियार दिया है। आप जानते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का वरदान जब आपको मिलता है, आप नहीं जानते आपके पास प्रार्थना के रूप में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है प्रार्थना के रूप में। प्रार्थना एक अस्त्र है, हथियार है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्रार्थना सिर्फ हथियार ही नहीं है, आक्रामक हथियार है। आप प्रार्थना के जरिए शैतान पर आक्रमण कर सकते हैं। आप प्रार्थना के जरिए शैतान के गढ़ों को ध्वस्त कर सकते हैं। हम प्रार्थनाओं को सिर्फ मांगना समझते हैं। मेरी नौकरी मिल जाए, मेरा ये मिल जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मेरा ऑफिस का काम, मेरा धंधा अच्छा हो जाए, हम इसको प्रार्थना समझते हैं। हम यही प्रार्थना समझते हैं कि ये प्रार्थना है। हमारे बॉस के संग रिलेशन अच्छे हो जाएं, इंक्रीमेंट मिल जाए, हम इसे प्रार्थना समझते हैं। आप भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम लोग कौन हैं? मसीह हैं। हम लोग नई सृष्टि में हैं। हम लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं। हमारी प्रार्थना और संसार की प्रार्थना में अंतर होना चाहिए। संसार भी प्रार्थना कर रहा है कि साहब मेरी रोजी रोटी अच्छी हो जाए, मेरी धंधा अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए। वही प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं। तो चर्च आने का मतलब क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाएं भिन्न होनी चाहिए और विश्वास के संग मजबूत होनी चाहिए। संसार जब प्रार्थना करता है तो उसे अविश्वास होता है, वो संदेह के संग प्रार्थना करता है। लेकिन मैं जब प्रार्थना करता हूं तो विश्वास के संग करता हूं। बाइबल कहती है जब मैं मांगता हूं परमेश्वर मुझे देता है। बाइबल बताती है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है। मेरी प्रार्थनाएं मुझे परमेश्वर के करीब लेके जाती हैं। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को मुझे बताती हैं। आप क्या समझते हैं प्रार्थनाओं को? यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? जल्दी पढ़िए। यिर्मयाह 33:3 परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मेरे करीब आ, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा तुझे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। आज वही कठिन बातें, आज वही बड़ी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। प्रार्थना के लिए, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? आमेन। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आपने आज के विषय को समझ लिया, अगर आपने आज के प्रार्थना के विषय को अपना लिया, कोई भी समस्या आपके सामने ठहर नहीं सकती। कोई नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। हम जब रोज प्रार्थना करते हैं, आप शपथ लेते हैं? कितने लोगों को शपथ याद है? 2 कुरिन्थियन 10:3-5 आज हमारे बच्चे लेते हैं ना रोज, क्योंकि हम शरीर में क्या करते हैं? चलते फिरते हैं, लेकिन हम प्रार्थना का जीवन बिताते हैं। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। आमेन।
कौन से हथियारों की बात कर रहा है? हमारे शारीरिक, हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, आत्मा से भरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझते? इसका चौथा पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियन 10 का चौथा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गढ़ों को ढा देने के लिए है हमारे पास हथियार, शैतान के गढ़ों को। आपको पता है शैतान आपके घरों में गढ़े डाल रहा है, गढ़। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 का कहता है, हेलो, प्रकाशित वाक्य 10:12, आज जिसने वचन समझ लिया उसका जीवन बदल जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए जो मैं बोलने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 12:10 का कहता है, फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द कहते हुए सुना कि वो अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य है और उसके मसीह का प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। यानी कि शैतान के बारे में बात हो रही है यहां पर। हालेलुया, ध्यान दीजिए क्या करता है वो, परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाता है रात दिन। हेलो, शैतान का काम रात दिन हो रहा है, वो आपके जीवन में योजनाएं बना रहा है रात दिन। रात दिन वो लगा हुआ है आपको नष्ट करने के लिए, रात दिन वो आप पर दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख है, रात दिन वो काम कर रहा है। आप कितना काम कर रहे हैं? हम जब उठते हैं 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना की, हो गया काम। हेलो, कैसे आप परमेश्वर की योजनाओं से बचेंगे? रात दिन वो आपको ध्वस्त करने के लिए, वो आपको नष्ट करने के लिए आपके जीवन में गढ़ डाल रहा है, गढ़ों को दे रहा है चारों तरफ से। गढ़ का समझते हैं आप? जब एक सैनिक की टोली होती है ना, वो प्लान करते हैं हमला करने का, वो आगे से भी करते हैं, पीछे से भी करते हैं, दाएं से भी करते हैं, बाएं से भी करते हैं, नीचे से भी करते हैं, ऊपर से भी करते हैं, कि भी किसी भी दिशा से हमला कमजोर ना हो, ताकि सामने वाला जो सेना है उसको खत्म कर दिया जाए। आपको खत्म करने के लिए शैतान गढ़ों को यूज करता है। शैतान के गढ़, वो क्या कहता है कि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है, क्योंकि शैतान के गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य परिपूर्ण है, वो है आपके पास। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हैं, प्रार्थना आपको जीत की तरफ लेके जाती है, लेकिन यहां पर अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको दिन रात प्रार्थना में रहना है, दिन रात। जैसे रात दिन शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, आपको भी रात दिन उससे ज्यादा काम करना है। आप मत सोचिए कि 15 मिनट की प्रार्थना आपको बचा लेगी। आप गलतफहमी में आप, एक तो शैतान आपको दिखता नहीं है, आपका दुश्मन आपको दिख नहीं रहा है, और वो रात दिन आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहा है। सोचिए कि आप कितने खतरे में हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने आपको लहू से पूरी तरीके से शुद्ध किया, पवित्र किया, लेकिन प्रार्थना के जरिए आपको अपने आप को, अपने सामने आपको प्रोटेक्शन की दीवार को खड़ा करना है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, इब्रानियों के इफिसियों की पत्री में परमेश्वर ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं। क्या दिए हैं हमें? अस्त्र शस्त्र दिए हैं। हालेलुया, इफिसियों 6:12 से पढ़िए, 12 से 17 के बीच में पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से
और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमेन। पौलुस बता रहा है कि हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा युद्ध जो है, हमें प्रोटेक्शन किससे चाहिए? सामने लहू और मांस से नहीं है, जो दिख रहा है वो हमारा दुश्मन नहीं है, जो दिख रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है, आपका बॉस आपका दुश्मन नहीं है, आपका कुलीग आपका दुश्मन नहीं है, आपकी बीवी आपकी दुश्मन नहीं है, आपका पति आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है उसको आपसे कुछ नहीं मतलब, जो दिख रहा है उसके अंदर काम करने वाली जो आत्मा है वो आपका दुश्मन है। इसलिए कभी कभी होता है आपके जीवन में बहुत सा कि आपका एक अच्छा दोस्त है जो आप जिसे समझ रहे हो बड़ा अच्छा है, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम है, वो सपोर्ट भी कर रहा है सब कुछ, अचानक बदल जाता है वो, अचानक वो आपका दुश्मन बन जाता है, अचानक वो आपके राज को दूसरों को बताने लगता है। होता है कि नहीं होता है? हेलो, वो आदमी गलत नहीं है, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा आ गई है वो आपको परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया, आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया। आपके घर में चोर कब आएगा? अगर आप दरवाजे खोल के रखेंगे तभी चोर आएगा ना। अगर आपने दरवाजे पूरे बंद किए हुए हैं, पूरी तरीके से आपने एहतियात रखा हुआ है, तो क्या चोर आएगा? आ सकता है चोर। तो चोर कब आएगा? जब आपने कहीं ना कहीं कोई छोड़ा हुआ है, कुछ लूप होल छोड़े हुए हैं, तब चोर आसानी से आपके अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आप कहते हैं अरे क्या हुआ, कल तक तो ठीक था, आज क्या हो गया? क्योंकि आपने उन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं किया है। हालेलुया। 13वां पढ़िए, 6:13 बेटे एफिसियो, कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या अस्त्र शस्त्र दिए हैं, ध्यान से समझिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन का सामना कर सको, बाइबल बताती है बुरे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन कब होते हैं? जब आपके अपने आपके दुश्मन हो जाते हैं। इससे बुरा दिन क्या होगा? जिस पर आप विश्वास करते थे, जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया, वही आपका दुश्मन हो गया। आमेन। आप में व्याकुलता बढ़ जाती है, आप कहते हैं क्या करूं मैं, किस पर विश्वास करूं, कोई विश्वास के योग्य नहीं है, जिस पर मैंने भरोसा किया वही मेरा दुश्मन हो गया। तो जब आप कमजोर होंगे तब के लिए परमेश्वर ने आपके लिए हथियार बनाए हैं कुछ। हालेलुया। आगे पढ़िए बेटा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर। सत्य से अपनी कमर को कसो। सत्य क्या है? सत्य कौन है? सब लोग बात करिए, सबको नहीं पता क्या सत्य कौन है? जोर से बोलिए, सत्य कौन है? सुनाई नहीं दिया, सत्य कौन है? आमेन। कैसे सत्य को अपने संग रखेंगे आप? कल एक बहन का फोन आया हरियाणा से, वो बैंक में मैनेजर है, वो कहती मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहती हूँ। नहीं, क्यों बहन? कहती मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मैं, क्यों झूठ बोलती हैं? नहीं नहीं, ऐसे कुछ आ जाते हैं, कस्टमर्स आते हैं बैंक में, वो झूठ बोलना पड़ता है। क्यों झूठ बोलिए? आप सच बोलिए। सच नहीं बोल पा रहे हैं, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, सच बोलिए। कभी आपको लगता है कि सच नहीं बोल पाने, चुप हो जाइए, सच बोलिए। सत्य को अपनी कमर से बांधिए, सत्य आपके संग हमेशा रहे। आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास रहे? Yes. हमेशा रहे? Yes. आप चाहते हैं तो सत्य को अपनी कमर से बांधो। सत्य कौन है? आमेन। उसको अपने साथ रखो। आप जो धंधा करते हैं सत्य के संग करिए। आप बोलिए कि ये काम करूंगा इसका 15% लूंगा, सामने बोलिए ना। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा भी लूं और पता भी ना लगे।
आप लोग ये कहते हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा भी आ जाए और हम कहें हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है सर, हमें तो 2% मिलता है सर बस, और हमें क्या मिलता है? मिलता है आपको 25%। बोलिए ना कि मुझे 25% मिलता है, क्यों झूठ बोलना है? जब आप झूठ बोलते हैं तो शैतान आपका फायदा उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सत्य को अपनी कमर से बांधिए और धार्मिकता की झिलम को पहनिए। झिलम क्या पहनी जाती है? यहां पर सीने पर झिलम, उसका कवच। धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता हमारे लिए कवच है। उसकी आत्मा, उसकी पवित्र आत्मा, उसकी पवित्रता हमारा कवच है। उसको पहनिए, उसको अपनी झिलम बना लीजिए। आगे, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लीजिए। हालेलुया, मेल मिलाप की तैयारी की। जब आप जाएं तो आपका विषय होना चाहिए आप मेल मिलाप करें। आपका मकसद किसी के अंदर झगड़ा पैदा नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए मेल मिलाप। यानी किसी भाई से मिले, उसका पिता से मेल करवाइए, उसका यीशु से मेल करवाइए। हालेलुया। हम क्यों काम कर रहे हैं, हम क्यों चल रहे हैं, हमारे चलने का मकसद क्या है? मेल मिलाप करना। आमीन। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? यीशु। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? कि मेरे मुझसे लोगों को आशीष मिले, मैं पिता से एक पुत्र को, एक पुत्री को मिलवाऊं। हेलो, ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो पैरों में जूते मेल मिलाप की सेविकाई की। आगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हाँ, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। आगे, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन, आमीन। उद्धार का टोप जो परमेश्वर ने हमको दिया है, एक मुकुट दिया है कि हमारा उद्धार होगा। मुकुट दिया है कि हम पवित्र हैं, मुकुट दिया कि हम चुने हुए हैं, मुकुट है कि हम उसके चुने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए आप, ये सारी चीजें आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपको संभालने के लिए हैं। क्या क्या? सत्य को अपनी कमर से बांधना, धार्मिकता के झिलम को पहनना, पैरों में सुसमाचार के जूते पहनना, हालेलुया, विश्वास की ढाल को लेना है, और उद्धार का टोप। ये पांच जो चीजें हैं ये आपकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। हालेलुया, ध्यान से समझिए, आपकी सुरक्षा के लिए कितनी चीजें हैं? हेलो, पांच है ना? आपकी सुरक्षा के लिए कितनी चीजें हैं? लेकिन एक चीज मुझे बताइए, क्या कोई भी युद्ध सुरक्षा के बिना पे आप जीत सकते हैं? युद्ध में अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप जीत सकते हैं? अब इसमें क्या है? पांचों चीजें हैं। ये सुरक्षा है, अपने आप को कवच, अपने आप को सुदृढ़ रखने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए ये पांचों चीजें हैं। सत्य को अपनी कमर से बांधना, धार्मिकता के झिलम को पहनना, विश्वास की ढाल को देना, पैरों में सुसमाचार के जूते पहनना, उद्धार का टोप। तो ये पांचों चीजें हैं, ये हैं आपके सुरक्षा के लिए। लेकिन सुरक्षा के साथ आप जीत नहीं सकते युद्ध। और हमको कौन, हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? जीतना है। हम किसके लिए हैं? जीतने के लिए। हेलो, बोलिए, मैं जीतने के लिए हूं, मैं युद्ध जीतने के लिए हूं। 12वें में हमें क्या कहा कि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, यानी कि हमारा युद्ध है। हेलो, हमारा युद्ध तो है, वचन क्या कहता है कि हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है, यानी कि हम युद्ध में हैं। बोलिए, मैं युद्ध में हूं, बोलिए, मैं युद्ध में हूं। आज अंधकार की शक्तियां आपके घर में काम कर रही हैं, आज अंधकार की शक्तियां आपके बच्चों के अंदर काम कर रही हैं, आज अंधकार की शक्तियां आपके पति के घर में काम कर रही हैं, पति के अंदर काम कर रही हैं। आप रोज अपने घर में लड़ रहे हैं, आप अपने घर में लड़ रहे हैं, आप अपने घर वालों से नहीं जीत पा रहे, आप संसार से कैसे जीतेंगे?
आप अपने घर वालों से नहीं जीत पा रहे हैं, कभी आप पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, कभी पुत्र को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, अपने चाचा मामा ताऊ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते जो आप कर रहे हैं, आप अपने घर में ही नहीं जीत पा रहे हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने घर वालों को ही जीत नहीं पा रहे हैं, संसार को क्या जीतेंगे? संसार को तो यीशु ने जीत लिया। आमेन। इसलिए हम युद्ध में हैं। तो हमारे पास 5 सुरक्षात्मक कवच हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन हमें जीतना है तो उसके लिए हमें और हथियार कौन सा चाहिए? छठा। वो हथियार है आत्मा की तलवार। वो कौन सा हथियार है? आत्मा की तलवार। तो हमें आत्मा की तलवार का उपयोग करना है। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने आत्मा की तलवार का उपयोग किया था शैतान के सामने। अगर आप देखेंगे मत्ती 4:1-11 के बीच में, तो उन्होंने आत्मा की तलवार का उपयोग किया था और उसने क्या कहा था कि यदि, देखिए शैतान संदेह लेकर आपके जीवन में आता है। शैतान क्या लाता है? संदेह। यीशु मसीह को बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल कि रोटी बन जाए। आमेन। शैतान ने हव्वा से भी कहा था, क्या सारे फल तुझे खाने के लिए मना किए? हालेलुया। शैतान धोखे में फंसाता है आपको। हमें धोखे में नहीं रहना है, हमें फंसना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने आत्मा की तलवार का यूज किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास क्या है? आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार हमें वचनों के अनुसार यूज करना है। वचनों को आप यूज कर रहे हैं, आत्मा की तलवार कब यूज करेंगे? जब शैतान ने आपके जीवन में गढ़ बना दिया है, उस गढ़ को ध्वस्त करने के लिए। और उसके लिए क्या चाहिए? आत्मा की तलवार। और उसके बाद क्या चाहिए? प्रार्थनाएं। पढ़िए 18वां, उसके बाद पढ़िए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करने के लिए बाइबल बोलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने ये 6 अस्त्र शस्त्र देखे? प्रभु ने जो हमको 6 अस्त्र शस्त्र दिए हैं देखे? हैं? क्या देखे? सत्य को अपनी कमर से बांधो, धार्मिकता के झिलम को पहनो, पैरों में सुसमाचार के जूते पहनो, उद्धार का टोप पहनो, हाथ में विश्वास की तलवार लो। आमेन। विश्वास की ढाल लो और आत्मा की तलवार। हालेलुया। इन अस्त्र शस्त्रों में कहीं भी पीठ को सुरक्षा नहीं दी गई है। दी गई है? पीठ खाली है, पीठ खाली है। हेलो, उसके लिए क्या करना है? शैतान आप पर कब वार करता है आपको पता है? आप पूरे अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं, फिर भी आप कहते हैं पास्टर ये हो गया, पास्टर ये हो गया। शैतान आपको क्यों? क्योंकि आपकी पीठ खाली है। आपकी पीठ को किसी कवच से नहीं बना हुआ है। हेलो। इसलिए शैतान को कभी भी पीठ मत दिखाओ, शैतान को कभी भी पीठ मत दिखाओ। आप पीठ दिखाते हैं। शैतान को कैसे पीठ दिखाते हैं पता आपको? जब आप हार जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब मैंने प्रार्थना भी कर ली, मैंने उपवास भी कर लिया, मैं 10 साल से चर्च भी जा रहा हूं, अब नहीं, अब गया, आप शैतान को पीठ दिखा रहे हैं।
अगर आपने हार मान ली, आपने शैतान को पीठ दिखा दी। यूसुफ जिसने कुछ नहीं किया था, 12 साल से जेल में था, बिना कुछ काम किए, पोतीपर की वाइफ के संग उसने कोई ऐसा गलत संबंध नहीं बनाया था जिसे 12 साल, लेकिन उसने पीठ नहीं दिखाई। वो रोज कहता था कि मेरा यीशु जिंदा है और मेरे जीवन में काम करेगा। हमें परमेश्वर के, हमें शैतान के सामने पीठ नहीं दिखानी है। पीठ आप कब दिखाते हैं? जब वाचा को तोड़ लेते हैं, जब परमेश्वर से की हुई वाचा के बिना आप काम करने लगते हैं, जब परमेश्वर की वाचा के अनुसार आप जीवन को नहीं निभाते हैं, तो आप शैतान के सामने पीठ दिखाते हैं। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, मुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है। अरे भाई, 6 महीने से आपके जीवन में प्रॉब्लम है, 6 महीने से आपके जीवन में प्रॉब्लम है, और जो आपका परमेश्वर है वो काम नहीं कर रहा है। नहीं, वो काम करे ना करे, वो मेरा प्रभु है। अय्यूब की पत्नी कहती है कि अरे बेवकूफ आदमी, तेरा शरीर छल्ली छल्ली फपोले हो रहा है, तेरे बच्चों को मार दिया परमेश्वर ने, तेरा सब कुछ छीन लिया, अब तो निंदा कर। लेकिन अय्यूब ने पीठ नहीं दिखाई। अय्यूब ने कहा है, मूर्ख स्त्री, क्या मैं परमेश्वर से सब लेता ही रहूं? क्या अगर परमेश्वर मुझसे मांग रहा तो क्या मैं ना दूं? आमीन। मुझे अपने प्रभु के, मुझे शैतान के सामने पीठ नहीं दिखानी है ना। मेरा यीशु हरा चुका है तुझे शैतान, जीत मेरी है। तू हारा हुआ है, तेरी कोई ताकत नहीं है, तू कुछ नहीं रोक सकता है। मैं जीता हुआ हूं क्योंकि मैं यीशु का पुत्र हूं। आज कुछ पलों के लिए तू सामने खड़ा हो सकता है, आज कुछ पलों के लिए तू आशीषों को रोक सकता है, लेकिन जा, मेरा प्रभु है, वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा। पीठ नहीं दिखानी हमें, क्योंकि पीठ के ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। जहां आपने पीठ दिखाई, शैतान ने पकड़ा आपको। जो पीठ दिखाते हैं ना, वही पीछे हट जाते हैं। आपने देखा होगा कई मसीह बैकस्लाइड हो गए क्योंकि उन्होंने पीठ दिखा दी। वो हार गए कि नहीं, अभी यीशु मसीह नहीं है, रह गए अभी नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। जहां आपने ये मन में सोचा कुछ नहीं हो सकता, शैतान ने काम किया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का अपना समय है मेरे भाई। हालेलुया। हेरोदेस के सामने, हेरोदेस ने यहूदियों को खुश करने के लिए याकूब को मरवा दिया। प्रेरितों के काम 12:10 निकालिए, प्रेरितों के काम 12:1-5 पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, उसने याकूब को मरवा दिया और पतरस को बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, समझिए प्रार्थना क्या है, समझिए प्रार्थना क्या कर सकती है। आपके पास जो प्रार्थना का शक्ति है, आपके पास जो प्रार्थना का शस्त्र है, वो क्या कर सकता है? मायूस मत होइए, पढ़िए बेटा। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस कारण से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हेरोदेस एक शैतान के रूप में यहाँ पर है। वो क्या कर रहा है? उसने याकूब को पकड़ लिया लोगों को खुश करने के लिए, और उसके बाद पतरस को डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस को कहाँ डाला? चौकी में। पतरस कौन था? परमेश्वर का सुसमाचारक। वो क्या कह रहा था? यीशु का सुसमाचार बांट रहा था। अगर आप देखें कैसे पतरस को पकड़ा, 4-4 सैनिकों की टोली उसे एक साथ रखती थी, यानी कि 4-4 घंटे की ड्यूटी होती थी उन सैनिकों की।
पतरस के चारों तरफ रहना है, चार चार घंटे बिल्कुल अलर्ट, चार घंटे तुम, चार घंटे तुम, चार घंटे तुम, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना यानी कि खूंखार जो कैदी होता है उसकी जो होती है, उसकी जो बिल्कुल उसको पकड़ कर रखते हैं, उसी तरीके से पतरस को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कलीसिया के लोग परमेश्वर के बंदे थे। पढ़िए पांचवा। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आमेन, आमेन। ध्यान दीजिए, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ध्यान दीजिए, अब आप सोचिए क्या प्रार्थना कर रही होगी, क्या प्रार्थना कर रही होगी। आमेन, हमें क्या प्रार्थना करनी आ रही है ऐसी स्थिति में। देखिए, एक तरफ जब आप शैतान की योजनाओं को नहीं जानते, देखिए प्रार्थना क्या है, ध्यान से समझिए प्रार्थना का मतलब क्या है, प्रार्थना का वरदान क्या है। अगर आपको ऐसा वरदान नहीं मिला है तो मांगिए कि मुझे प्रार्थना का वरदान मिले। अपनी दाल रोटी के लिए प्रार्थना करना बंद करिए, धंधे के लिए प्रार्थना करना बंद करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 1:17-18 कहता है, पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, अपनी पूर्ण पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, ताकि मैं आपकी बुलाहट की आशा को जान सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी का इफिसियों 3:15-19 के बीच में हम देखेंगे कि वो क्या चाहता है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू स्वर्ग और धरती का अधिकारी है, मुझे आशीष दे। हालेलुया। 3:16 जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हर एक घराने का नाम रखा जाता है, 16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामत पाकर बलवंत होते जाओ। क्या मांग रहा है? कि मैं तेरी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर पाऊं। जब आप उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करेंगे, तब परमेश्वर आपको बताएगा कि शैतान की योजना तेरे लिए क्या है। ध्यान दीजिए, शैतान तेरे घर में कैसे घुस रहा है, शैतान तेरे पति को कैसे घुस रहा है, शैतान तेरे बच्चों में कैसे घुस रहा है, शैतान तेरे धंधे में कैसे घुस रहा है। जब आप उससे मांगेंगे कि पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत कर, ताकि मैं 17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। आमेन। 19वां पढ़ो द्वारा, इसी का 19वां पढ़ो। 19वां, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, परमेश्वर का जो सामर्थ है, उसकी आत्मा के द्वारा जो वो मांग रहा है कि तेरी आत्मा के द्वारा मैं अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत कर सकूं, ताकि मैं यीशु के प्रेम को जान सकूं और तेरी परिपूर्णता से भर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जितने कलीसिया के लोग थे ना, ये परमेश्वर की परिपूर्णता से भरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि हेरोदियास ने याकूब को मरवा दिया है, अब वो हेरोदियास की इच्छा जानते हैं, अब वो हेरोदियास की मन की स्थिति को जानते हैं कि वो पतरस को मारने वाला है, इसलिए वो उसको जेल में ले गया और लॉ लगाकर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी, क्या प्रार्थना कर रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रार्थना कर रही थी, ये कि परमेश्वर हम कमजोर हैं, हमें बचा ले। पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और शैतान के गढ़ों को नाश कर रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के गढ़ों को, जो शैतान का गढ़ तेरे घर में है, उसको नाश करो यीशु मसीह के नाम से। उस अधिकार का उपयोग करोगे शैतान, आज मैं तेरे गढ़ों को ध्वस्त करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो अधिकार तूने, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस अधिकार का मैं उपयोग करता हूं और इस बीमारी को निकालता हूं, इस विपत्ति को निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो प्रार्थना कर रहे थे, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे थे, उस शैतान के गढ़ को नेस्तनाबूत कर रहे थे। और बाइबल लिखा हुआ, अगर 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 पढ़ेंगे 6 कि भूचाल आया, भूचाल आया और जेल के दरवाजे खुल गए। आमेन। जब आप उन अधिकारों का उपयोग करेंगे जो परमेश्वर ने दिए हैं, जब आप शैतान के गढ़ों को ध्वस्त कर देंगे, आपके द्वार खुल जाएंगे,
आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या समझते हैं कि शैतान हमारे जीवन में घुस सकता है? हेलो, इसको समझने की कोशिश करिए। आपके पास प्रार्थना का हथियार है, और प्रार्थना का हथियार सिर्फ सिंपल हथियार नहीं है, वो आक्रामक हथियार है। अरे, किसी की जरूरत की आपको हाथ लगा सके? आप परमेश्वर की पुत्री हैं, आप चाहे कहीं भी हैं, प्राप की प्रार्थना सात समंदर पार भी सुनी जाती है। चौबीस घंटे मेरे पास फोन आते हैं हर देश से, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर से, हर कंट्री से फोन आते हैं। रात को आते हैं, दिन में आते हैं, और मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का आशीष, और परमेश्वर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना शुरू की, भूकंप आया, स्वर्गदूत आया पतरस के पास, उसकी बेड़ियां खुल गईं और स्वर्गदूत ने पतरस को आजाद कर दिया। आपकी प्रार्थनाएं आपकी बेड़ियों को खोल सकती हैं, आपकी प्रार्थनाएं आपके अधिकार की प्रार्थनाएं आपके बंधनों को खोल सकती हैं। आप यूज करिए अपने अधिकार को। आप अधिकार, आपके पास अधिकार है। अगर आपका आपको बच्चा दिया हुआ, आपके पास अधिकार है कि उसको पुकारें, बेटा इधर आओ, ये काम करो। कहेंगे करते हैं कि नहीं करते हैं? आप करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अगर आपका बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप उसे कहेंगे कि नहीं बच्चे, ए बेटे ये काम है, ये काम करो, चलो ये काम करो? करते कि नहीं कहते? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके पास हथियार है, आपके पास अधिकार है। वो अपने अधिकार का उपयोग करिए, जानिए आपके पास अधिकार क्या है। आप शैतान की गतिविधियों को बांध सकते हैं। याद है आपको मती 16:18 में है, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मैं तेरे विश्वास पर चट्टान बनाता हूं, जो तू स्वर्ग में, जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पर तो खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हम जो धरती पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, यानी कि मैं जो काम धरती पर करूंगा स्वर्ग मेरी सहमति करेगा, स्वर्ग उस बात को मानेगा। एलिया ने कहा राजा आपके सामने राजा, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा इज़राइल में बारिश नहीं होगी, बूंद नहीं पड़ेगी, परमेश्वर ने उसकी बात को रखा। यही हमारे संग परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, दान दिया है यीशु मसीह ने। जब हम कलीसिया में हैं, जब हम सच्चे हैं, जब हम उसकी धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, जब हम उसके अनुसार हैं, जब उसकी ज्योति हमारे अंदर है, हम जो धरती पर करेंगे स्वर्ग सहमति देगा। आप कहां रो रहे हैं? आप कहां अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? आपके घरों में बैठे हुए शैतान को निकालिए, निकालिए, हाथ जोड़ के मत निकालिए कि प्रभु शैतान निकल जाए, शैतान निकल जाए, प्रभु दया करिए। प्रभु दया करने वाला नहीं है। उसने 2020 साल पहले आपको अधिकार दे दिया है। यीशु मसीह को क्रूस पर उसने बलिदान करके आपको अधिकार दे दिया है कि शैतान पर, अब आप बोलिए, शैतान को मैंने हरा दिया है, शैतान को उसकी शक्ति से निकाल दिया है, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। आपको इंजन चलाते हैं ब्रदर, आपके पास अधिकार है कि आप इंजन को चलाएं, आप दें उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। इंजन का जो बॉस है, जो बनाने वाला, वो नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते जिसने इंजन का निर्माण किया है वो आए भाई और मेरे इंजन को चलाए, आएगा वो? आपको दिया अधिकार, अपने जीवन को चलाने का परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आप चलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक अंजीर के बाग से निकल रहे थे, मती 21:18-22 पढ़े गए, एक अंजीर के पेड़ के पास से यीशु मसीह निकल गए थे, और बहुत बड़ी शिक्षा परमेश्वर ने दी है, यीशु मसीह हमको दी है। अंजीर के वृक्ष के सामने से निकले और उनको भूख लगी, और वो गए वहां पर, देखा तो अंजीर के पेड़ में फल नहीं थे। उन्होंने कहा आज से तेरे पास फल नहीं लगेंगे, और वो पेड़ उसी समय सूख गया।
हालेलुया, वो पेड़ उसी समय सूख गया। पढ़िए बेटा 18 से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हाँ, आगे। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह हाँ, उसके पास गया हाँ, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे हाँ, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया हाँ, आगे। वह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया हाँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ध्यान से सुनिए अभी, यदि यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आगे, यदि तुम विश्वास रखो हाँ, और संदेह न करो हाँ, तो न केवल यह करोगे तो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है हाँ, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। मैन, हेलो, क्या सिखा रहे हैं यीशु मसीह यहाँ पर? क्या शिक्षा दे रहे हैं चेलों को यहां पर यीशु मसीह? चेलों को यीशु मसीह शिक्षा क्या दे रहे हैं कि तुम भी शराब दे सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि तुम अगर विश्वास करो और अंजीर ऐसा करो जैसा मैंने अंजीर से कहा, ऐसा तुम भी कहोगे तो खोगा। यानी कि चेलों को यहां पर यीशु मसीह ने शराब का आशीष दिया कि अगर जो तुम्हारी नहीं माने तुम श्राप दे सकते हो। आपके पास अधिकार है। हेलो, अब ये ना कि आप आपस में श्राप देने लगे, ये बेवकूफी मत करिएगा। परमेश्वर के सब चुने हुए बंदे यहां पर है। गुस्सा आया, मैं तुझे श्राप देती हूं, फिर उसने पास में लिया, नहीं सॉरी सॉरी मैं श्राप वापस लेती हूं, ये मत करना। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? आपके पास अधिकार है, गणों को ध्वस्त करने का अधिकार है आपके पास, और वो भी ईश्वरीय सामर्थ्य से बना हुआ। एक चीज और मैं बताता हूं आपको, दानियल की किताब उसको निकालिए, 6:10 पढ़िए। दानियल उस समय बहुत बूढ़ा हो गया था, तकरीबन कहते 90 साल का हो गया था, और वहाँ के जितने भी वो थे, जोशी थे, शास्त्री थे, सब दानियल से डरते थे, जलते थे कि दानियल को इतनी बड़ी पदवी और राजा दारा ने उसको कहाँ पहुँचा दिया था। तो उन्होंने मिलकर एक अध्यादेश जारी करवाया दानियल के खिलाफ। वहाँ के शास्त्रियों ने, जोशियों ने, मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा हम एक ऐसा अध्यादेश जारी करते हैं कि 1 महीने तक कोई भी अपने देवता को किसी को नहीं पूजेगा, सिर्फ तुझे पूजेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको हम शेर की मांद में डाल देंगे और शेर उसे चबा जाएंगे, भूखे शेरों की मांद में डाल देंगे और भूखे शेर उसे खा जाएंगे। अब कौन राजा नहीं चाहता? राजा ने कहा हाँ यार, इससे पता लगेगा कि कितनी जो पब्लिक है, कितनी जनता जो है वो मेरे अंडर है, मुझे पूछती है, मेरी बात मानती है कि नहीं मानती है। तो उसने ओके कह दिया, उसने अध्यादेश पर साइन कर दिए। दानियल जो कि 3 बार रोज प्रार्थना करता था, यरूशलेम में उसकी खिड़की खुलती थी परमेश्वर से, वहां रोज प्रार्थना करता था, 3 दिन में 3 बार। जब उसे ये पता लगा कि साहब ये अध्यादेश जारी हो गया है कि साहब जो किसी और को पूजेगा, राजा को नहीं पूजेगा, किसी और को पूजेगा, तो उसको भूखे शेर की माद में डाल दिया जाएगा, यह अध्यादेश उसको पता लग गया, उसने साइन कर दिए और वो अपने रूम में गया और प्रार्थना करने बैठा। हालेलुया, सोचिए आप। हेलो, उसको पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कहां डाला जाऊंगा? भूखे शेरों की माद में। लेकिन उसने क्या किया? पढ़िए 6:10 पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन बताता है कि वो लोग जो शास्त्री थे, मंत्री थे, पंडित थे, वो उसके घर में आए और उन्होंने उसको देखा कि साहब प्रार्थना करते हुए, और उसको पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया कि राजा ये यहूदी जो है जिसको आप प्यार करते हैं, इसने आपकी आज्ञा को नहीं माना है, अब आप अध्यादेश के मुताबिक आप इसे भूखे मानों की शेर में डालिए, भूखे शेर की मांद में डालिए। और आप वचन आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डैनियल को राजा ने भूखे शेरों की मांद में डाल दिया। लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ, जब राजा बहुत निराश हुआ, वो जानता था कि इनकी चाल है, राजा बहुत निराश हुआ और जब सुबह सुबह वो उठा और गया उस मांद के पास और उसने चिल्लाया कि डैनियल तेरे परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है, तू जिंदा है, तो उसने अंदर से आवाज दी कि परमेश्वर ने मुझे खड़ा पाया और मैं आशीषित हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसने बताया कि जब वो अंदर गया शेरों की मांद में तो सरदूतों ने शेरों के मुंह जो थे बांध रखे थे। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल ये उठता है कि डैनियल क्या प्रार्थना कर रहा था, डैनियल क्या प्रार्थना कर रहा था, क्या परमेश्वर नहीं जानता था डैनियल को, क्या डैनियल नहीं जानता था कि परमेश्वर कितना महान है। स्वप्न का उसे, भविष्यवाणी का उसे, उस स्वप्न पढ़ने का उसको परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ था, ज्ञान था, निपुण था ज्ञान में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहा था वो यरूशलेम की खिड़की के सामने, क्या प्रार्थना कर रहा था? प्रेज द लॉर्ड, वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहा था। डैनियल अपने अधिकार का उपयोग कर रहा था और शेरों के मुंह को बांध रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता था कि शेर की मांद में मुझे डाला जाएगा। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा था कि प्रभु तू महान है, मैं जानता हूं मुझे बचा ले। प्रभु ने कहा है मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन मुंह खोल, आत्मा की तलवार से वचन बोल। अधिकार का उपयोग कर। आपके जीवन में क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? क्योंकि आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। डैनियल 3 दिन वहां प्रार्थना कर रहा था, 3 दिन, यस। उसे पता था मुझे कहां जाना है, परमेश्वर से उस अधिकार का आशीष मांग रहा था और वो बोल रहा था कि परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं कि मैं शैतान के गणों को ध्वस्त करता हूं और शेरों की मांद में घुसकर उसके मुंह को बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे जाने से पहले शेरों के मुंह बंद हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन है? आपने जानने की कोशिश ही नहीं की आप कौन है। आप प्रभु के चुने हुए दास हैं। उसने आपको अपना पुत्र यूं ही नहीं कहा है, यीशु मसीह ने यूं ही नहीं कहा कि जो तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं कहा है? आमेन। हेलो, आपको अधिकार दिया है। मती 10:14-15 पढ़िए जल्दी से। आपको अधिकार दिया उसने। जब 12 चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार देते हुए जब सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा तो उसने कहा तब जहां तुम जा रहे हो जिस घर में रुको उसके लिए शांति का आशीष मांगो, अपने साथ कुछ भी लेकर मत जाओ, सोना चांदी रोटी कुछ भी लेकर जाओ क्योंकि तुम्हें भोजन मिलेगा। और उसने क्या कहा 14-15 में सुनो, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ लो, झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं अपने पैरों की धूल झाड़ दो। आपके पास वो अधिकार है। जो आपकी बात नहीं सुन रहा, कौन नहीं आपकी बात सुन रहा है? अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा तो वो कौन है? क्या पवित्र आदमी है? नहीं, वो गलत आदमी है, वो शैतान की ओर से। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो वो कौन है? शैतान की ओर से। अगर आपको मान नहीं दे रहा है, परमेश्वर को मान नहीं दे रहा तो कौन है? शैतान है। इसका मतलब आपने उसके सामने गिड़गड़ाना नहीं है, आपने धूल झाड़नी है। और क्या होगा धूल झाड़ने के बाद? 15 पढ़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा में सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमेन।
आप नहीं जानते हैं, आपने जब किसी को अभिशाप दिया, आपने अगर किसी के लिए कहा, आपने शैतान के गढ़ों को तोड़ा, वो टूटना है। दूसरा कुरिन्थियन 1:19-20 पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियन 1:19-20। आप नहीं जानते हैं कि वाचा का मतलब क्या होता है। जब भी हम यीशु मसीह के नाम से कुछ कहेंगे वो होगा, जब भी हम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे वो होगा। उसने वादा किया हुआ है, उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है, इसलिए उसकी सब प्रतिज्ञाएं हां की हां में है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हां और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हां ही हां हुई। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हां की हां में ही हैं, ना नहीं है। आप प्रार्थना करते समय यह मत सोचिए कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह ने आपको चुना है। जब आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, जब आप यीशु मसीह के नाम से शैतान के गढ़ों को तोड़ेंगे, नष्ट करेंगे, वो होगा। स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं का, आपके अधिकार लेने का इंतजार कर रहा है। स्वर्गदूत इंतजार कर रहे हैं काम करने के लिए। स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए रखे गए हैं। हेलो, स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए रखे गए हैं। इब्रानियों 1:14, इब्रानियों 1:14, स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। किसने नियुक्त किए हैं? परमेश्वर ने। कहां पर? आपके लिए। किस जगह? स्वर्ग, धरती पर। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? जो उद्धार पाने वालों के, जिसका उद्धार हुआ है, उसके लिए स्वर्गदूत भेजे गए हैं ताकि वो इनके धरती पर सेवा करें। आप भूल जाते हैं, बिल्कुल मत भूलिए। आपके पास वो सामर्थ है, अपने जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है वो आपको अपने अंदर और दृढ़ करना है। इट्स अप टू यू, आपके पास है। परमेश्वर ने आपको बाइबल दे दी, स्वर्ग से उतरा हुआ संदेश, स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का मन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दे दी। हां के ना हाँ। दी है कि नहीं दी है? दी है कि नहीं दी है? यही जीवन है। अब आप इसे घर में रख लें, एक अलमारी में पड़ा हुआ संडे को क्या अलमारी में रख दिया, फिर निकले संडे को ले लिया, तो क्या आपके जीवन में काम होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आपको दिया है कलीसिया, क्यों दिया आपको? ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान आपको पता चले। आप कलीसिया में नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो सोते रहेंगे, तो कैसे ज्ञान मिलेगा आपको? और आएंगे भी, लिखेंगे भी, और घर जाके भूल जाएंगे, तो क्या पता, क्या फायदा? हमें उसका उपयोग करना है। आप जो धंधा करती हैं, अगर वो रोज सीखेंगे नहीं तो आप कर पाएंगे? कोई भी आदमी कर पाएगा? सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि परफेक्शन आ जाए, फिनिशिंग आ जाए। कैसे आएगी फिनिशिंग? रोज प्रैक्टिस से। प्रेज द लॉर्ड। तब आपको आशीष मिलेगा, तब आपको पैसा मिलेगा, तब आपको धन मिलेगा, तब आपको शोहरत और मान मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप परफेक्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से परमेश्वर में आपको, आपके जो वचन हैं, जो परमेश्वर के मुख से निकले वचन हैं, उनको समझकर अंदर लेना है। हम मसीह होने के बाद भी संसार को अपने अंदर ले रहे हैं, इसलिए शैतान काम कर रहा है, और शैतान हमारी बुद्धि को बंद कर देता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हमारे पास वो अधिकार हैं। आपके घर में शैतान गढ़ ना बांधने पाए। प्रार्थना करिए, आप आत्मा में महसूस करने लगिए। आप प्रार्थना करिए कि मैं आत्मा में महसूस करूं, मैं आत्मिक हो जाऊं, मैं आत्मिक जीवन जीऊं। आपको समझ में आने लगा कि शैतान काम कर रहा है,
किसके द्वारा शैतान काम कर रहा है आपको समझ में आने लगेगा, और जैसे ही समझ में आने लगे अपने अधिकार का उपयोग करिए, अपने अधिकार का उपयोग करिए और शैतान के गणों को नष्ट कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सिर्फ प्रार्थना खाने पीने के लिए मत करिए, आप अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु से रिश्ता बनाने के लिए प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। हम मामूली इंसान नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए दास हैं। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, इसको कभी मत भूलिए। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, वो हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार है, हमेशा हर पल वो तैयार है, लेकिन आपका अधिकार, आपके वचन, आपकी वाचा कमजोर है, आप कमजोर हैं, उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन समझ में आया कि नहीं आया आपको? कितनों को समझ में आया? हालेलुया। आज से आपकी जो प्रार्थनाएं होंगी वो सिर्फ रोटी कपड़े दाल के लिए नहीं होंगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो मैं आपको प्रार्थनाएं बता रहा हूं वो करिए, अपने आप रोटी कपड़ा आता रहेगा। रोटी कपड़े मकान की चिंता मत करिए, रोटी कपड़ा मकान की, मैं सच कह रहा हूं, चिंता मत करिए, प्रभु से अपना संबंध बनाइए। आप रोटी खाते खाते थक जाएंगे, इतना देगा परमेश्वर। ये मत समझिए कि मैं कमाता हूं इसलिए आप संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं। संसार को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं आप? क्योंकि आप संसार को जीतना चाहते हैं। ये संसार का, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, मैं। इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हैं शैतान को, संसार को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और संसार आप में आ रहा है, और आप कभी भी संसार को नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। मेरे पास 10 फ्लैट हैं, मेरे 20 हो जाएंगे तब भी मैं संसार में कौन आया, मेरे पास 100 फ्लैट हो जाएंगे तब भी मैं नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। Praise the Lord। प्रभु जो आपका है उसके संग संबंध बनाइए, और प्रार्थनाओं में अपने आप को मजबूत करिए, आत्मिक उन्नति अपने आप को करिए कि मेरी आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं, आज हमने वचन ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। आज से हम कैसी प्रार्थना करेंगे? आत्मिक बल पाने के लिए कैसी प्रार्थना करेंगे? बोलिए, आज से मैं आत्मिक बल पाने के लिए प्रार्थना करूंगा। आज से मैं रोटी कपड़ा मकान इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।